ये काम है इसके, ये पुपो ऐसे नहीं करते यार बेटा, उतार इसको चिची ये ये कैसे बन गई है मम्मा गिरी बन के क्या हुआ? सब्जी की पन्नियों से ये काम कर दिया इसने। अब गिरेगी नहीं है। ओए नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य भूमि चैनल से गरिमा जोशी, और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। आज मैंने पहाड़ी खाना बनाया है, मैं दिखाऊंगी आपको। डुबके बनाए हैं और पालक की सब्जी बनाई है, और बड़ा मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज डुबके खाने को मिलेंगे करके ना। ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये बिस्किट खा रहे हैं। और भूविका अंदर क्यों आई, क्या हुआ बेटा? कौन आ रहा है? हेलीकॉप्टर आ रहा है। आपको डर लगता है उससे? ओहो हाँ, आवाज तो आ रही है यार बेटा। नैनीताल को जा रहा है। हेलो, पूजा हो चुकी है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने बनाए हैं भटके डुबके, सो यम्मी हमारा पहाड़ी डिश। और इसमें बनाई है पालक की सब्जी। एक्चुअली क्या हुआ, कल हम नकुचेताल गए थे तो हमारे जो फैन थे और हमें प्यार करने वाले जो लोग थे वहां पे, उन्होंने ये पालक दिया हमें। इतना ताजी पालक था ये, तो एक बार की सब्जी तो मैंने बना दी, अभी एक बार की और बची है तो उसे कल बनाऊंगी। बहुत ही ताजा, पहाड़ का शुद्ध और बहुत अच्छा खाना। पता है हम लोगों को ये खाना खाना चाहिए, क्योंकि एक तो टेस्टी होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। मतलब लक्ष्या जैसे नहीं खाती है तो मैं उसे जबरदस्ती कहती हूँ कि तू एक कटोरी खा ले, इसको पी ले, लेकिन पी ले क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। वैसे तो जो हम पहाड़ के हमारे मित्र हैं सबको पता ही है भटके डुबके कितने टेस्टी होते हैं और कितने हेल्दी होते हैं। हाथ ये फिनिश कर लिए सब, देख रहे हो? हाँ शाबाश, गुड, हेल्दी होते ना। हेलो फ्रेंड्स, आज ना मैं ये गोल मूली के पराठे बना रही हूँ, और ये ना मूली बहुत ज्यादा ले आए शेखर जी, तो मुझे मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, इतनी मूली की तो सब्जी भी नहीं खा सकते ना, बहुत ज्यादा है अभी वहां और रखी हुई है। तो मैं सोचू कि मैं इसके पराठे बना देती हूँ, लंबी मूली के तो सभी बनाते पराठे, तो मैं सोचूं कि ये गोल मूली के भी बन जाएंगे पराठे, ये यूज भी हो जाएगी। तो गोल मूली के पराठे कैसे बनाते हैं मैं आपको सब दिखाऊंगी। अभी मैं इसको इसके आगे पीछे के जो ये हैं इनको काट ले रही हूँ, उसके बाद इसको छील के फिर इसको कस लूंगी। ये मैं मूली को कस रही हूँ, और जो बीच का ये वाला हिस्सा है ना, ये सूखा सूखा सा, इसे हटा दे रही हूँ। जिसमें होगा मतलब ऐसा सूखा हिस्सा उसे हटा दूंगी, इसमें तो नहीं है, ऐसे कस होगी। So पापा कुछ लाए हैं तेरे लिए, एक थप्पड़ लाया हूं, खाएगा? भाई इधर को आओ, इधर को आओ। अरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में, और आज मैं लाया हूँ अपनी मम्मी के लिए सरप्राइज। तो ये क्या है? ये है दोस्तों नी कैप। ये घुटनों में दर्द होता है मम्मी के कभी कभी, तो उसके लिए रिलैक्स देता है नीकैप। आप भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो मैं लाया हूँ ये नीकैप अपनी मम्मी के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को आराम हो। थोड़ा और वो गुना गुना वाला स्वाद आएगा ना, राइट? अच्छा हल्का सा, मैं उसको फ्राई कर दूँ। ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी बन गई है, बहुत उम्दा। और ये मैंने सारी तैयारी कर रखी है, पड़ेगा इसमें सब चीज। तो अभी मैं इसको भून के फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। गाइस आज मम्मा बना रही है मूली का पराठा, अगर वो बताओ अगर अच्छा लगे तो लाइक मत करना। मूली का पराठा खाने आना कह दे सबसे। मूली का पराठा आप खाने आना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अगर इसको देखना। मैं कैसा लग रहा हूँ आपने बताया नहीं, कहते बाल काटने के बाद कैसा लग रहा हूँ? कहते गंदू के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ आप? कहते
की बार में कैसे रखा? ये मूली ना थोड़ा सा इतना सा घी डाल के मैंने फ्राई कर दी थी, ठीक। और अब मैं इसको आटे में इसको मैश करूंगी। और जो मैंने ये चीजें रखी है ना सारी, हरा धनिया है, ये है अदरक, ये मैंने कस के रखा था, ये है अजवाइन, ये हरी मिर्चें हैं चार काट के रखी है मैंने। हरी मिर्चों को मिला ले, हरी मिर्चें क्या होती है बेटा? हरी मिर्ची से क्या होती है? तो आप लेना जो जिसमें हरी मिर्ची, ऐसे चेक करके बनाऊंगी, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। हाँ पाउडर, 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 मिर्ची पाउडर, मिर्ची तो डालिए, इसमें थोड़ा सा डाल दो। आप भी बताओ भूबो। और नमक, नमक, इसमें पड़ेगा नमक। रोटी से पीसेंगे? हाँ, पीसेंगे। और ना इसमें अभी मैं पानी नहीं डाल दूंगी। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो डालूंगी वरना नहीं, नहीं। अच्छा, वो जो इसमें मूली में ऑलरेडी पानी होता है उसी से गूंज जाएगा आप? हाँ ठीक ठीक। कम होगा तो काफी मैश करने के बाद जो है पानी डालोगी ना? हाँ ठीक ठीक, वो जरूरत पड़ेगी तो डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। ओए आज तो मूली के पराठे मजा आ जाएगा। बैठी रहती है बस, मम्मी के साथ ही बैठे रहना है इसने। मेरी मम्मा? हाँ तो। अरे तेरी मम्मा तो है लेकिन पढ़ाई भी तो कर लिया कर बेटा कभी कभी। निखिल भी स्कूल जाने लगा है, पता है आपको? मैं भी स्कूल कर रहा हूँ। और मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ ना कि हम कह रहे थे कि डेली वो आएगा, शिव जी का भजन आएगा, शिवरात्रि आने वाली है, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, कल परसों दो दिन हमारी शूटिंग की वजह से हम लोग थक गए थे बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह थक गए थे, लंबा हम लोग वो भजन भी नहीं कर पाए। और मतलब क्योंकि आके फिर बच्चों को भी देखना होता है, वो भी दिन भर हमारे साथ ही रहते हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत थक गए थे, हम वो भजन कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसलिए सॉरी बोल रही हूँ मैं सबसे, मेरी तरफ से क्षमा चाहती हूँ मैं सबसे। अरे मैंने इसमें हल्दी भी डाली है अभी, सॉरी मैं कह रही हूँ इसमें हमारा पहाड़ी कलर क्यों नहीं आ रहा है? राइट, इसमें हल्दी नहीं मिली है ना अभी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ना, जिससे कि सूख ना जाए और हाथों में चिपके ना बनाने वक्त। क्या होगा कि हाथों में चिपकेगा नहीं जब हम इसे बनाएंगे ना, ऑयल लगा के, ऑयल लगा के ज्यादा देर नहीं रखना होता है कांटे को, क्योंकि धीरे धीरे ना गीला होता जाता है। चीज वाला पिज्जा बनाएंगे, छोटी मोटी चीज का बनाती जब बाबूजी बुला रहे तेरे को, सब करने आ रही है। जा बाबूजी बुला रहे हैं तुझे, रोटी बनाने आज तू ही बना फिर सारी रोटी, ठीक है? ओए बाबूजी के वहाँ, बाबूजी बहुत ही किशमिश भी बांट रहे हैं। हाँ, हाँ। और मुझे लग रहा है किशमिश और कई चीजें दे रहे हैं, अखरोट, बादाम, काजू, हाँ। क्या क्या दे रहे हैं वो मुन्नू को दे दिया उसने, लक्षु को दे, देख लक्षु को लेके आ गई, देख ओए होए लक्षु लेके आ गई, जा तू भी जा, जा बेटा आप भी जाओ, जाओ गो 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 फास्ट गो आराम से, अभी गिरेगी, गो 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 फास्ट करो। I'm
अभी तू भी चढ़ा दे लक्ष्य को। पहली रोटी मैं हमेशा गाय के लिए बनाती हूँ, गौ माता के लिए, और इसको खाली ऐसे तवे में नहीं बनाते, इस पर हल्का सा घी डालना पड़ता है तब गाय की रोटी बनती है। वैसे रोटी सबको बनानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि गौ माता को जो रोटी, पहली रोटी जो गौ माता के लिए बनाता है उसके वहाँ सुख समृद्धि सब कुछ होती है। हाँ तो ये मतलब मेरी मम्मी ने बताया था मुझे। गुड ग्रेट। हाँ बेटा मैं भी बनाऊंगा। आप भी बनाओगे? अभी ये छोटा सा पराठा बन रहा है ठाकुर जी के लिए, ये वाला। अच्छा दूसरा ठाकुर जी के लिए। हाँ मेरी भी। गाय का इसमें सेक के रख दिया मैंने। ठीक है अब ये पहला ठाकुर जी का बन रहा है। इसमें मैंने घी और थोड़ा सा रिफाइंड भी मिलाया हुआ है। अब थोड़ा अच्छे से हल्की आंच में थोड़ा करके इसको सेक के भून लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। हम आशा करते हैं आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा, और आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का मूवी के पराठे कैसे लगे। और सॉरी जैसा कि गरिमा ने बताया शिव भजन आ नहीं पाए, शूट में बहुत बिजी हो गए थे और काफी लंबा शूट हुआ था, और वीडियो बहुत जल्द आएगी शेखर जोशी चैनल पे, तो बने रहिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये आ गया पराठा ठाकुर जी का। ये ठाकुर जी का पराठा बन चुका है और ये अब भोग लगेगा।